गब्बर सिंह बोलता है कि जब मां दूर 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 तक कोसों दूर कोई बच्चा रोता है तो मां बोलती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सब लोग अपना मोबाइल फोन निकाल लीजिए, उधर भी जो जो सुन रहे हैं सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन निकाल लीजिए। अब एक काम कीजिए, अपने मोबाइल फोन को फेसबुक लाइव पे लगा दीजिए, फेसबुक लाइव। ये तो चुनाव के पहले ही डर गए, ये तो अभी से डर गए, इतना डर। शोले पिक्चर देखी थी आप लोगों ने? शोले पिक्चर में एक डायलॉग था, गब्बर सिंह बोलता है कि जब मां दूर 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 तक कोसों दूर कोई बच्चा रोता है तो मां बोलती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आज गुजरात में कोसों दूर जब कोई भाजपा का नेता रोता है तो मां बोलती है बेटा सो जा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आ जाएगा। इतना डरते हैं ये लोग आम आदमी पार्टी से, इतना डरते हैं। क्यों डरते हैं ये लोग? क्योंकि इनके डिबेट में जाके हम इनसे 27 साल का हिसाब मांगते हैं कि 27 साल में तुमने कितना लूटा पंजाब को, गुजरात को। मुझे याद है आज से एक दो साल पहले जब सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था, आप लोगों ने 27 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, 27 सीट। हंगामा मच गया, पूरे देश में हंगामा मच गया। ये लोग कहते थे गुजरात में केवल कांग्रेस और बीजेपी, केवल कांग्रेस और बीजेपी। अचानक सूरत के लोगों ने कमाल कर दिया, पूरे देश के अंदर सूरत की चर्चा होने लगी, सूरत के लोगों की चर्चा होने, 27 सीट आई थी। इस बार सूरत शहर की 12 सीट है, 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी की। 12 की 12 में सारे कैंडिडेट आपको बता दिए, 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी को आनी चाहिए। की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है, और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि कतारगाम का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष गोपाल इटालिया सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाला है। ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है, आईबी की रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट बोल रही है। बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे। आज मैं भी आपको वचन देके जाता हूं, गुजरात चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपका बेटा बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिंदगी केजरी, आपके परिवार की जिम्मेदारी केजरीवाल संभालेगा। 1 मार्च से आप लोगों को बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार का बिजली का बिल आपका भाई भरेगा 1 मार्च के बाद से। जब मैंने कहा कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, ये सारे बीजेपी वाले मेरे को गालियां देने लग गए, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है। ये जितने बीजेपी के नेता हैं, इनको हर महीने 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर नेताओं को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इनको 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। केजरीवाल बोलता है 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है। हम ईमानदार लोग हैं, हम पेपर बेच के पैसे नहीं खाते, इतने गिरे हुए लोग नहीं है हम लोग, ईमानदार लोग हैं, ईमानदार पार्टी है, तो एक भी पेपर नहीं फूटने देंगे। और इतने सारे मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा मैं। ये सारे मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल सारी रेवड़ी स्विस बैंक में नहीं ले जाता,
केजरीवाल अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनाता, केजरीवाल कोठियां नहीं खरीदता, केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं करता, केजरीवाल डाका नहीं डालता, केजरीवाल लूटमार नहीं करता, केजरीवाल चोरी नहीं करता तुम लोगों की तरह। केजरीवाल सारा सरकारी पैसा जनता के ऊपर खर्च करता है, जनता को सुविधाएं देता है। 27 साल दे दिया आपने इन लोगों को, मुझे बस 5 साल दे दो। मुझे बस 5 साल दे दो, 5 साल में आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आप लोगों के लिए बच्चों के रोजगार पैदा कर दूंगा, आपके लिए शानदार स्कूल और अस्पताल बना दूंगा। करके आया हूं मैं, दिल्ली में करा था। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, दोनों इंजन बेकार हो गए, दोनों इंजन को जंग रख दिया, दोनों इंजन कोयले से चलते हैं, मार्केट में नया इंजन आ गया, नया इंजन लीजिए इस बार। बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिक इंजन है, नया इंजन, नई तकनीक। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई विचारधारा है, नई सोच है, नई राजनीति है।